बड़ घोषणा होइछि सीएपीएफ आसाम राइफल्स नियुक्ति रे रहिबो 10% संरक्षण। ट्वीट करी गृह मंत्रालय पक्षर सूचना दिया जाइछि। अग्निवीरक पई आउ एक बड़ घोषणा करिछि गृह मंत्रालय जे सीएपीएफ आसाम राइफल्स नियुक्ति रे रहिबो 10% संरक्षण। ट्वीट करी गृह मंत्रालय पक्षर ए सूचना दिया जाइछि। पूरा देश रे विरोध प्रदर्शन करुछंती अनेक मात्रा रे अग्निपथ स्कीम को नहीं, किंतु अग्निपथ केते फैसिलिटी युवक मानक एक बारंबार केंद्र सरकार बुझाई आसुचंती एवं समस्त को अपील करुछंती जे याकु नेकी आउ निया न कुहुलु, कारण अनेक देशर संपत्ति नष्ट होउछि। जेमती कि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य समस्त को से अनुरोध करिछंती जे खास करी एभली भावरे विरोध प्रदर्शन करा न जाउ। एवं सेपटे सेनार मुख्य माने मध्य युवक मानंकु आह्वान देइछंती जे अग्निपथरे निजकु संश्लिष्ट करंतु एवं युवक माने निश्चित भावरे नियुक्ति पाइबे सेमानंक पई एक बड़ लाभदायक रहइबो। ए बाबदरे आलोचना करबा गगन विश्वाल आम सहित जोडियौछंती आम प्रतिनिधि। गगन, वर्तमान पूर्ण गृह मंत्रालय तरफरु मध्य एने कि निश्चिंत करा जाउछि जे सीएपीएफ आसाम राइफल्स नियुक्ति रे मध्य 10% संरक्षण रहइबो। हाँ देखो, निश्चित भाव यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप बोली कह जाई पारे। गृह मंत्रालय या पर मोहर लगेछि तेनै गृहमंत्री निजे अमित शाह या को नहीं कि ट्वीट करछंदी। तेनु निश्चित भाव से ट्वीट कला परे ये जो अनेक जगह अपन देखछंदी जो स्ट्राइक करा जाउछि ये सरकार कहवा कथा एक्चुअली जो मैंने प्रिपेरेशन होउछंदी सेनारे भर्ती होबा पई सेमाने नुहे, अन्य कोनोसी शक्ति सेमानंकु हुए तो प्ररोचित करौछि एभली आंदोलन पंथा अपणिया पई बा स्ट्राइक आसिया पई। काहे ना देखिबे आमे अनेक गुडिए बिल आपण 370 कथा कोंतु सीए कानून कथा कोंतु अनेक समय आम देखीचु जे किभली ढंग रे भारत वर्ष रे स्ट्राइक ना रे गुटे आंदोलनात्मक पथा अवलंबन करा जाउथला एवं एभली गोटे वातावरण क्रिएट करने सब चेस्टा कराई। तेज नो डाउट बर्तमान अग्निवीरों पर केंद्र सरकार पुणे आ गोटे बड़ घोषणा कर 10% जमी आप कहे जिते रिक्रुटमेंट हम आफ्टर से जब सीएपीएफ कथा कहतु आसाम राइफल कथा कहतु से 10% रिजर्व रही एवं या सहित 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन रो मर 30 वर्ष हो आनिवर्ष सुजोग रातरेप्लाय करने या छड़ा जो फास्ट बेच रे अग्निवीर जो प्रथम बेच रही से 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रवर्ती पर्यायर्ष हो तेज नो डाउट ये गोटे भल से बोली कह जाई पारे। कहीं ना तो तार जो एज क्राइ जो लिमिट रही जो 4 वर्ष पर सेनारु प्रत्याहार ने जो मैंने अपर लेवल को जीवे जो मैंने अपर लेवल को जाई पारे पारे ना पाखापाखि देखिए 20-21 लाख टंकार बजेट से हाथ में थी तेणु से नुआ कथा क्रिएट करी नुआ गगन साधारण कथा होची जेते बले 23 वर्षर बा गोटे वयस सीमा रही आपण चिंता करंतु 17-23 वर्ष भितरे खास करी भारत रे युवक माने कौ स्थिति रे थांती। जदियो कोनोसी पिला पाठ पढ़ा पाई बा परिवार रो फाइनेंशियल सपोर्ट रही ताले से माने पाठ पढ़ती जो माने फाइनेंशियल सपोर्ट नुहंती बा से मानकर आर्थिक स्वच्छल से माने नुहंती ताहाले पिला माने पाठ पढ़ती हुए तो बाहर को काम करबा पई जानती दादन खटंती अनेक पिला मध्य खराब बाटरे जीवार मध्य नजर रही 23 वर्ष जिते बड़े गोटे पिला श्रृंखलित ढंग से सेठ गढ़ा होके आसब वेल ट्रेंड हो निश्चिंत भाव में निजर भविष्य को से आहुरी उज्जवल कर पार। देखो नो डाउट जमीक मुझे कहली जो 4 वर्ष जो से जो जॉब रही भितर देखू से आर्निंग करेंगे से ईपीएफ कथा कहतु जीपीएफ कथा कहतु एक्स्ट्रा बेनिफिट कथा कहतु पाखापाखि 20-25 लाख टंकार से पाखे गोटे बजेट थोपर अनेक कि कथा से चिंता करपारती अनेक कि कथा से भावि पारती कितु कौटा कौटी से भ्रमित करते केन्द्र सरकार डिक्लेयर कले परवर्त पर्यायर हुए तो सविशेष तथ्य से पाखे न पहुंची हुए तो भ्रमित कराऊ जहाँ आज एमती चित्र देखा मिलूँ लगातार भाव केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रालय कहतु विभिन्न स्पोक्सपर्सन कहतु तार रखुच्च क्लारिफिकेशन
ରଖୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରିବ ଖାସ କରି ଆପଣ ୟୁପି ବିହାରରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିତ୍ର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ ପାଠ ପଢିପାରିବ ଏବଂ ୟାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେନାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ସେନା କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ବିଲକୁଲ ଗଗନ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଅନ୍ତତଃ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ ସରକାର ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।